एपिसोड आप लोगों को बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एल्डर जोयान को काफी सारे गिफ्ट देते हैं, यानी कि डेमन एम्परर, जिसमें होता है घोस्ट सोल, एक हेवनली कुल्ड्रोन, एक एंड डेमन ब्लड टोकन, काफी सारे पिल के फॉर्मूले और अपनी स्टोरेज रिंग, जो मैं जानना चाहता हूँ कि उसके अंदर क्या घुसा हुआ है, बट अभी नहीं पता चलेगा, आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद एल्डर कहते हैं, मेरे गायब होते ही छोटे साथी ये जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो यहाँ से भाग जाओ। मुझे पर्सनली बुरा लगा था, मैं चाहता था कि ये बंदे की जो है सोल प्रिंट रख ले और इन्हें भी जिंदा कर दे, बट राइटर की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। जिसके बाद अपना डर की निकलता है गेट के बाहर, तो वहाँ पे देखता है कि सभी लोग उसके वेलकम में खड़े हुए हैं। तभी एम्परर मिंग की आवाज आती है, वेलकम में नहीं खड़े हैं बेटा, तुम अगर बैरियर के बाहर आओगे तो यूनिवर्स के बाहर भेज दिए जाओगे, इतना फैलेंगे, इसीलिए यहाँ से निकल लो। ये सुनकर जोयान तुरंत ही गेट डिस्ट्रॉय होने के साथ जो क्लेन की तरफ पहुंच जाता है। दूसरा वहाँ पे जो बंदे थे वो जो वुटियान को टाते, भाई ये कहाँ गया, तो बताते चलो जो क्लेन में देखते, और सबको लेकर जो क्लेन पहुंचता है। दूसरा पैल्डर जोयान को कहते, भाई यहाँ पे बिल्कुल मत रुक, मैं तुझे नहीं खो सकता और क्लेन को डिस्ट्रॉय होते भी नहीं देख सकता, इसलिए वो कहते जो कोई को पकड़ और यहाँ से भाग जा, क्योंकि उन्हें पता था जो योंग जो कोई को नहीं छोड़ेगा और जो यान से अच्छा कोई लड़का नहीं है। इसके बाद ये एपिसोड यही एंड हुआ था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो को तुरंत ही कहती, ग्रैंडफादर आप मुझे क्यों सौंप रहे हैं, नहीं ग्रैंडफादर मैं नहीं जाऊंगी। दूसरा जोयान अपना हाथ तुरंत ही पीछे कर लेता, और अब तो जोयान का चेहरा हल्का सा रेड देखा जा सकता था। दूसरा जोकोई वो भी हल्का सा एम्बेरस होती है, साथ ही जोकोई के जो फादर थे उनकी डेथ बहुत जल्दी ही हो गई थी, और जियोली ने ही हमेशा उसकी देखभाल की थी, इसलिए उन दोनों का जो दादा पोती का प्यार था वो काफी गहरा था। साथ ही डाउडी कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहाँ पे केवल डाउडी ही सर्वाइव कर पाते थे, इसलिए डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी बच्चे पैदा होते थे वो एल्डर्स के द्वारा प्रोटेक्ट करके एक एनर्जी बैरियर में रखे जाते थे, तब तक जब तक कि वो डाउडी लेवल पे पावरफुल ना हो जाए, इसके बाद उन्हें डाउडी कॉन्टिनेंट में फ्री छोड़ा जाता था। दूसरा जो कोई एक ऐसी बच्ची थी जिसके फादर जल्दी मर गए थे, इसीलिए बचपन से ही वो काफी ज्यादा फ्री थी और फ्रीडम के साथ ही रहना उसे पसंद था। साथ ही वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कमिटेड थॉट्स वाली लड़की थी, यानी कह दिया सो करना है। साथ ही अब जबकि सिचुएशन ऐसी आ गई थी जो कोई खुद को एक ऐसे पर्सन को देना एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, जिससे वो अभी तक पहली बार भी अच्छे से नहीं मिली। तभी जियोली कहते हैं, क्वियर सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसलिए तुम्हें अब मेरी बात सुननी चाहिए। इस टाइम पे हमारे पास सोचने का भी टाइम नहीं है, इस टाइम पे हमारे पास सोचने का भी वक्त नहीं। दूसरा जोयान जो कोई की तरफ देखता है, जो बहुत सुंदर और कुछ हद तक जिद्दी भी थी। साथ ही जोयान को नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए, और उसे पता था कि इस टाइम पे प्रॉब्लम काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, और जियो क्लेन निश्चित तौर पर 4-स्टार डाउडी के ऊपर और 5-स्टार डाउडी के लेवल के बंदों के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो जो कर सकते थे वो था इस जगह से भागना। इसलिए जोयान कहता है, वो जो चाहते हैं वो मैं हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्यों चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं भागते हुए पकड़ा नहीं जाता उन्हें जियो फैमिली को ज्यादा एम्बेरस नहीं करना चाहिए, इसलिए जियो कोई को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, ये मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए जोयान जियो कोई की तरफ देखता है, जिसमें जियो लॉन्ग तुरंत ही कहते, तुम्हें क्या ही पता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग जाओगे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस टाइम पे जियो लॉन्ग काफी ज्यादा नाराज हो गए होते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, बेशक वे तुम्हें क्यों चाहते हैं, वे तुम्हारे साथ उस टॉम के अंदर के ट्रेजर्स को चाहते हैं, तुम अकेले हो जो वहाँ अंदर गए थे, साथ ही वो ब्लैक पर्सन, वो पांचों लोग इमोजी और डेमन सेक्ट के साथ हैं, और इन पांचों लोगों के सपोर्ट के साथ वो जियो क्लेन पे भी जरूरी अटैक करेंगे, और उस टाइम पे क्या तुम्हें लगता है कि जियो योंग जियो कोई को जाने देगा। ये सुनकर जोयान को अपने दिल में मोटा अंदाजा लग जाता है कि जियोली जियो कुई को उसके साथ क्यों भेज रहे थे। तभी जोयान कहता है, क्या वो डायमंड ट्राइब से हैं। इस टाइम पे जोयान अपने दिल में इस थॉट को पूरी तरीके से क्लियर करना चाहता था। तभी एल्डर कहते हैं, मैं वास्तव में इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और ऐसा लगता है कि इमो डायमन सेक्ट भी उनकी बात मानता है, इमो डायमन सेक्ट भी उनकी बात मानता है। तो जोयान कहता है, ये फिर से ही डायमन सेक्ट है, ये फिर से ही डायमन सेक्ट है, और जोयान का पंच कस जाता है, जिसके बाद कहता है, एंसेस्टर मैंने आप सभी को परेशान किया, मैंने अंदाजा लगा लिया है कि क्यों, लेकिन मुझे जल्दी ही जाना होगा, लेकिन मैं जियो कोई को नहीं ले जा सकता, वो बहुत खतरनाक है। ये सुनकर जियो लॉन्ग तुरंत ही कहते हैं, अगर तुम उसे नहीं लेकर जाते तो ये और भी खतरनाक होगा, तुम्हें पता है जब तुमने पहली बार एम्परर टियर की पिल को रिफाइन किया था तब मैंने ओल्ड जियोली के साथ शर्त लगाई थी, अगर तुम इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लेते हो तो उसे जियो कोई की शादी आपसे करनी होगी, और उसके बाद आप सक्सेसफुल भी हुए, इसीलिए जो कोई आपकी वाइफ हुई। साथ ही पहले ये चीजें इतनी जरूरी नहीं थी, लेकिन अचानक सिचुएशन बदलने के कारण अब ये चीजें जरूरी हैं, इसीलिए मैं केवल फिक्र कर रहा हूँ। जियो लॉन्ग की बात सुनने के बाद तो जोयान पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। दूसरा जियोली की तरफ जियो कोई देख रही होती है, जिसपे जियोली चुपचाप से हिलाते हैं। दूसरा जोयान को नहीं पता था कि उसे कहना क्या है, वो बस कहना चाहता था कि ड्यूकी कॉन्टिनेंट में उसकी पहले से ही वाइफ है। जिसके बाद जियोली कहते हैं, तुम अभी मेरे क्लेन के क्लेन मेंबर हो। साथ ही वो थोड़ा सा टेंशन में होते कि तभी
एक बूम की आवाज आती है और इस टाइम पे पूरा ही जो क्लेन बुरी तरीके से कांपने लगता है, जिस पे जोली जल्दी से अपना सिर उठाते हैं और जो क्लेन की डायरेक्शन की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो कहते भी आ रहे हैं। चारों तरफ गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगती हैं, हर जगह फ्लक्चुएशंस और पावरफुल स्ट्रॉन्ग वेव जनरेट हो रही होती है। दूसरी तरफ जोली की वोएं चढ़ी हुई होती है, जिसके बाद वो कहते हैं वो क्लेन के डिफेंस बैरियर पर अटैक कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि क्लेन का डिफेंस बैरियर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। बिग काफी स्ट्रॉन्ग है और ऐसा कहते वो जो कोई कहा था, एक बार फिर से जो यान के हाथ में रख देते हैं और इसके बाद वो कड़ी आवाज में कहते हैं, मुझे माफ करना बच्चों, आपके ग्रैंडफादर आपकी अच्छी तरीके से रक्षा नहीं कर पा रहे, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। और इस टाइम पे जोली का जो गला होता पूरी तरीके से भराया होता है, आंखों में आंसू होते हैं, वो रोना चाहते थे लेकिन मजबूर थे कि रो भी नहीं सकते थे। दूसरी तरफ जोयान और जोकुई एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहते, जिसके बाद जोयान जोकुई के हाथ को पकड़ता है और इसके बाद जोली के सामने घुटने टेकता है और उन्हें ग्रीट करता है 3 बार झुककर, जैसा उसने फर्स्ट टाइम मास्टर यावलाओ को एक्सेप्ट करते हुए किया था। ये देखकर ओल्ड जोली आखिरकार उनके चेहरे से आंसू आ ही जाते हैं, जिसके बाद वो आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहते हैं उठो, जिसके बाद जोयान जोकुई का हाथ थामते हुए धीरे से खड़ा होता है। साथ ही जोयान को अपना हाथ पकड़ते हुए देखकर जोकुई उसका तो पूरा चेहरा ही लाल हो गया था, उसका सिर झुका हुआ होता है, आंखें नीची होती है और बस वो चुपचाप जोयान को देख रही होती है। तभी जोली जोकुई के सिर पे हाथ फेर रहे होते हैं और इसके बाद प्यार से कहते हैं, क्वियर जोयान की हर बात को सुनना और याद रखना, जो क्लेन का पूरा फ्यूचर आप दोनों पर निर्भर करता है। ये सुनकर जोकुई उसके चेहरे से पूरी तरीके से डेडनेस गायब हो जाती है और दिल में काफी ज्यादा चिंता उमड़ पड़ती है। उसे नहीं पता था कि उसके भागने के बाद वो अपने ग्रैंडफादर को फिर से देख पाएगी या नहीं, इसीलिए उसके आंखों से आंसू आने लगे होते हैं। जोकुई के ऐसे बिहेवियर को देखकर जोली अचानक से स्माइल करते हुए कहते हैं, इडियट लड़की, तुम अभी भी उतनी नादान हो, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे ग्रैंडफादर को कुछ नहीं होगा। तभी जो एक गड़गड़ाहट की आवाजें होती और भी तेज हो जाती हैं। सालों पूरा क्लेन बर्बाद कर देगा ठरकी अपना, अगर उसके क्लेन को कुछ हुआ तो। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन अब उन्हें और ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं दे सकती थी, इसीलिए जोली जोयान की तरफ देखते हैं और सिर घुमाते हुए कहते हैं, जोयान अब बचना इम्पॉसिबल है, अब हम केवल यही देख सकते हैं कि क्या कायोस एशियन गेट को तुम ओपन कर सकते हो या नहीं, क्योंकि ये जगह छिपी हुई है और इसे ढूंढना मुश्किल है। तुम जोकुई को उसी एशियन टॉम के अंदर ले जाओ। दोस्तों जो लॉन्ग और मैं उन लोगों के पास जाते हैं। रुको, एक बात याद रखना, हमारे जो फैमिली का ब्लड अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर बह रहा है। जिसके बाद जो लॉन्ग जोकुई की तरफ देखते हुए कहते हैं, जोकुई ये कंपस है क्योंकि अब तुम जोयान से जुड़ी हो, इसीलिए ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। हालांकि ये कंपस जोयान जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें रिकॉर्ड करने के लिए काफी ज्यादा स्थान है, यानी जगह है। साथ ही कहीं भी छिपने के लिए एशियन प्लेसेस में ना जाएं। साथ ही जोक्लेन के लिए अब कोई भी सेफ जगह नहीं है, इसलिए तुम लोग भागने के लिए इसका यूज कर सकते हो। ये सुनकर जो कोई कंपस लेती है और उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया होता है, जबकि बगल में जोयान काफी अशांत होता है। जिसके बाद जोयान कहता है, एंसेस्टर मेरी कायोस होली फ्लेम लगभग पूरी तरीके से फ्यूज हो चुकी है, इसीलिए मैं कायोस एशियन टोम के सामने जाना चाहता हूँ और कायोस होली फ्लेम को पूरी तरीके से फ्यूज करना चाहता हूँ। साथ ही एल्डर जोली आपने कहा कि वो एशियन टॉम काफी ज्यादा छिपा हुआ है, इसीलिए मैं उसे यूज करना चाहूंगा। साथ ही कंपस के लिए अभी भी टाइम है। इस टाइम पे जोयान अब जोली को एल्डर की या कि एंसेस्टर की बजाय ग्रैंडफादर कह रहा होता है, क्योंकि अब वो जोकुई के साथ जाना चाहता था और जोकुई के वो एंसेस्टर नहीं ग्रैंडफादर थे, तो जोयान को भी ग्रैंडफादर बोलना पड़ता है। ये देखकर कि जोयान ऐसी सिचुएशन में भी बिल्कुल भी नहीं घबराया था, जोली और जोलोंग दोनों काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। दूसरी तरफ जोकुई अपने दिल में जोयान के लिए काफी ज्यादा तारीफ फील कर रही थी कि अभी भी जोयान इस सिचुएशन में भी लास्ट ट्राई करने का सोच रहा होता है। तभी एल्डर जोली कहते हैं, ठीक है ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन इस बार आपको खतरे पे ध्यान देना होगा, छोटे साथी तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा अगर तुम दोबारा इन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहते। ऐसा कहते हुए जो लॉन्ग भी जो यान के कंधे थपथपाते हैं और इसके बाद वो चारों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी एल्डर जोली कहते हैं, जो यान आपको जो कोई को प्रोटेक्ट करना है और जब आप केयोस एशियन टॉम में जाएंगे तो मैं आपके लिए देरी करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप जोक्लेन से जितना दूर हो सके उतना दूर निकल पाएं। तभी जोली की तरफ देखते हुए जोलोंग कहते हैं, चलो भी अब चलें। जिस पे जोयान जोकुई का हाथ छोड़ देता है और इसके बाद वो जोलोंग के साथ उसी जगह पर वापस जाने लगते हैं और दोनों लोग एल्केमी हॉल से बाहर निकलते हैं तो वो अपनी बॉडी के ऊपर आसमान में मंडरा रहे काले बादलों को देखते हैं। जिसके बाद जोक्लेन के एक बहुत दूर कोने में दो फिगर्स धीरे धीरे रुकती हैं और ऊपर का आसमान खाली होता है और वहाँ पे एक ग्रीन कलर की वेब जनरेट होती है, जिसके बाद एक स्टोन गेट वहाँ पे जो छिपा हुआ लग रहा होता है धीरे धीरे अपेयर होता है
और उस स्टोन गेट में अजीब से पैटर्न होते हैं और काफी एंशिएंट एटमॉस्फेयर होता है। और उस गेट के सामने अपेयर होने वाले दो फिगर जो यानो जो कोई होते हैं। और इस टाइम पे हवा में दिखाई देने वाले उस बड़े से स्टोन गेट को देखकर जो कोई जो जो यान के बगल में थी वो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो इतने टाइम से जियो क्लेन में रह रही थी लेकिन उसे भी इस गेट के बारे में नहीं पता था जो जियो क्लेन में ही छिपा हुआ है। तभी यान अपने हाथ को हल्का सा स्लाइस करता और उसके हल्के से झटके के साथ येलो कलर की फ्लेम जो काफी अट्रैक्टिव होती है धीरे धीरे ऊपर उठती है। साथ ही इस फ्लेम की अपनी एक स्पिरिचुअलिटी फील हो रही होती है और ये एक बिल्कुल एक शरारती बच्चे की तरह थी जो जियान के हाथ में बेमन तरीके से नाच रही होती है। मस्त मौला बिना किसी फिक्र के सीधा जो भी सामने आएगा जला दूंगी। दूसरी तरफ जो यान भी अपने हाथ की इस फ्लेम को देखता और हल्के से स्लाइस करते हुए उसे स्टोन गेट की तरफ स्लाइस कर देता है। बगल में जो कोई खड़े होकर ये देख रही होती है और दंग रह जाती है। वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि जो यान के पास स्काई फायर है। उसके अंदाजे के अकॉर्डिंग जो यान की जो स्काई फायर थी वो कायोस होली फ्लेम के जैसी ही थी जिसके बारे में उसके ग्रैंडफादर ने बताया था। साथ ही जो क्लेन के बीच में कायोस सेंगयान ये काफी ज्यादा पॉपुलर थी, इसीलिए इसे देखकर जो कोई भला कैसे सरप्राइज नहीं होती। हालांकि जैसे ये हल्की सी येलो कलर की फ्लेम स्टोन गेट की तरफ बढ़ती है, स्टोन गेट से हल्के से पैटर्न अजीब तरीके से फीकी लाइट साइन करने लगते हैं और ये फ्लेम इन अजीब पैटर्न के अंदर फ्यूज होने लगती है। ये देखकर जोयान कायोस की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। हालांकि जोयान इस टाइम पे काफी नाराज भी होता है क्योंकि वो इस गेट को जल्द से जल्द खोलना चाहता था। इसलिए जोयान की नाराजगी के साथ कायोस होली फ्लेम की पावर भी अचानक से बढ़ जाती है और काफी पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑरा कायोस होली फ्लेम जनरेट करने लगती है। ये देखकर जोयान अपने इंप्रेशन को थोड़ा सा डाउन करता और स्माइल करता है और इस टाइम पे जान ज्यादा से ज्यादा डुई कुई का यूज कर रहा होता है, जिसके बाद अंत में आखिरकार ये दोनों स्टोन गेट के बीच में धीरे धीरे जगह बनने लगती है। ये देखकर जोयान रुकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता और अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी पूरी पावर के साथ कायोस होली फ्लेम के साथ मिक्स करने लगता है, जिसके कारण बूम की आवाज के साथ धीमी धीमी स्पीड से ये स्टोन गेट खुलने लगता है और जोयान खुश होने लगता है क्योंकि उसे इतनी आसानी से सक्सेसफुल होने की उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद जोयान के हाथ में वापस से कायोस होली फ्लेम वापस आ जाती है और जोयान की बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है। साथ ही स्टोन गेट धीरे से ओपन होता है और उसके अंदर से काफी एशियंट ऑरा रिलीज हो रहा होता है जो कि हल्की येलो कलर की गैस में बदलकर पूरे स्टोन गेट से लिपट जाता है। और गेट के ओपन होते ही जोयान बिना किसी हिचकिचाहट के जियो कोई के हाथ को पकड़ता है और सीधा स्टोन गेट के अंदर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जियो कोई वो तो पूरी तरीके से हैरान तरीके से पीछे पीछे जोयान को देख रही होती है और उसके पीछे पीछे चल रही होती है। हालांकि जैसे ही जोयान इस एशियन टॉम के अंदर कदम रखता है और उसके पीछे पीछे जियो कोई जब कदम रखती है तो एक इनविजिबल सप्रेसर जियो कोई के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे जियो कोई अचानक से पेनफुल तरीके से चिल्लाती है। हालांकि जियो कोई के पास भी एक स्काई फायर है जो जियो क्लेन में दूसरे रैंक पर रखी गई थी। साथ ही कायोस होली फ्लेम के कंपैरिजन में ये कुछ रैंक कम थी, इसलिए कायोस होली फ्लेम से इफेक्टिव होना ये तो नॉर्मल सी बात थी। दूसरी जॉन काफी हैरान तरीके से जियो कोई की तरफ देखता और तुरंत ही रीजन समझ जाता है, इसलिए अपने हाथ के एक झटके के साथ कायोस होली फ्लेम तुरंत ही जियो कोई को घेर लेती है, जिससे जियो कोई बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है और उसे अपनी बॉडी में हल्का सा रिलैक्स फील होता है, जिसके बाद वो चुपचाप जोयान के पीछे पीछे चलने लगती है। साथ ही इस एशियन टॉम के अंदर येलो गैस धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उनके पीछे का जो स्टोन गेट होता है वो भी धीरे धीरे बंद होकर फिर से गायब हो जाता है। साथ ही इस एशियन टॉम के अंदर जोयान के सामने जो दिखाई देता है वो होता है सबसे पहले येलो फ्लेम का समुद्र और यहाँ पे अनगिनत येलो फ्लेम हवा में लटक रही होती है और ये फ्लेम ऐसी लग रही होती है जैसे ये कायोस होली फ्लेम के साथ अभी अभी फ्यूज हुई हो। और जॉन काफी हैरानगी से इन फ्लेम को देख रहा होता है और उसकी आंखें साइन हो रही होती हैं। जिसके बाद जॉन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो हवा में लटकी हुई ये येलो कलर की फ्लेम्स अचानक ही जॉन के हाथ में उड़कर आ जाती हैं और जॉन की बॉडी के अंदर जाने लगती हैं। ये देखकर जॉन स्माइल करता है क्योंकि वो सही जगह पर आया था। जिसके बाद जॉन वापस अपने हाथ को ओपन करता है और वो फ्लेम वापस से जॉन के हाथ में उड़कर अपनी अपनी जगह पर चली जाती है। साथ ही जॉन ने देखा था ये जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन जॉन साफ देख सकता था कि यहाँ पे एक मीडियम साइज का सपाट स्टोन फ्लोर होता है और स्टोन फ्लोर पर हल्की सी लाइट साइन हो रही होती है। जिसके बाद जॉन धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उस फ्लोर के सेंटर की तरफ जाता है। दूसरी तरफ जो कोई वो जॉन की पीठ को देख रही होती है और उसके दिल में तरह तरह के थॉट होते हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ सोचे बिना केवल जोयान को ही फॉलो कर रही होती है। हालांकि दोनों यहाँ पे चल ही रहे होते हैं, लेकिन जियो कोई उसे इतने ज्यादा शांत माहौल की आदत नहीं थी, इसलिए वो जोयान की तरफ देखते हुए कहती है, जोयान क्या तुम मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता सकते हो, तुम कहाँ पले बड़े हो। साथ ही ऐसा पूछते हुए वो अनजाने में ही थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है और उसका पूरा ही चेहरा लाल हो गया होता है। तभी जोयान स्माइल करते हुए जियो कोई की तरफ देखता और कहता है, डुई कोई कॉन्टिनेंट। साथ ही जॉन की आवाज एक्सट्रीमली सॉफ्ट होती है भाई, और जियो कोई जब जॉन के इतने ज्यादा सॉफ्ट आंसर और रिप्लाई को सुनती है तो उसके चेहरे से रेडनेस धीरे धीरे कम होती है। साथ ही डुई कोई कॉन्टिनेंट ये नाम जियो कोई के लिए बहुत ज्यादा ही अननोन था। साथ ही उसे ये पता था कि उस कॉन्टिनेंट में एम्परर सोर्स एनर्जी काफी कम है, इसलिए वहाँ से डाउटी लेवल में बनना और ब्रेक थ्रू करना काफी कठिन है। साथ ही वो एक ऐसे कॉन्टिनेंट थे जहाँ
ओरिजन कोई पर्याप्त थी, जिसके बाद वो बताती है मैं दूसरी जगह पर पली बड़ी हूँ, साथ ही मेरे फादर की डेथ जल्दी हो गई थी, इसलिए मेरे केवल एकमात्र रिलेटिव मेरे ग्रैंडफादर हैं। और उसके बाद वो जोली के बारे में सोचकर उसका दिल उदास हो जाता है। तभी जियान कहता है नहीं, मुझे लगता है अब मैं भी तुम्हारा रिलेटिव हूँ। और इस टाइम पे जियान के चेहरे पे स्माइल होती है। ये सुनकर जियो कोई अचानक से चौंक जाती है और अपना सिर नीचे कर लेती है और उसका चेहरा, हाँ मुझे पता है उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा लाल हो गया है, बात खत्म। जिसके बाद वो कहती है जोयान क्या डोकुई कॉन्टिनेंट के अंदर आपका कोई रिलेटिव है? ये सुनकर जोयान अचानक से रुकता है और बस कुछ कहने ही वाला था कि तभी आसपास का जो स्पेस होता है अचानक से हिलने लगता है, एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने लगता है और वो फ्लेम जो काफी शांत थी अचानक से चारों ओर दौड़ने लगती है, जिससे जियान की बॉडी के अंदर की कैसोली फ्लेम भी अचानक से हल्की येलो लाइट प्रोड्यूस करती है और इसका ऑरा काफी दबंग होता है, जिससे जियान थोड़ा सा खुद को स्टेबल करता है और उसकी बॉडी के अंदर की जो ओरिजिन कोई होती है वो चारों तरफ के इस माहौल को तुरंत ही शांत कर देती है। जिसके बाद जियान कहता है ऐसा लगता है अंदर जरूर ही कोई एनर्जी का प्लेस होना चाहिए, इसलिए जितना ज्यादा पॉसिबल हो हमें अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना होगा वरना अंदर माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। हालांकि मैंने इस जगह को कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर दिया है, लेकिन हमारा लक है कि इस जगह पर एनर्जी ज्यादा नहीं है। जो जियान की बात को सुनकर जो कोई भी अपना सर हिलाती और अपनी बॉडी को और अपने ऑरे को काफी लो लेवल तक सप्रेस कर देती है, जिसके बाद जो यान अपने ऑरे को सप्रेस कर लेता है और दोनों लोग कैओस स्टोन फ्लोर के सेंटर में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही जोयान सेंटर में एंटर होता है उसकी नजर में एक छोटा सा स्टोन फ्लोर दिखाई देता है और स्टोन फ्लोर के ऊपर हल्की छोटी सी येलो कलर की फ्लेम होती है जो कैओसोली फ्लेम के जैसे ही ऑरे को प्रोड्यूस कर रही होती है। दोस्तों जोयान ने जोकुई को बाहर खड़े रहने के लिए ही कहा होता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे अकेले ही उस फ्लेम की तरफ चलने लगता है। जिसके बाद जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर से काफी अलर्ट तरीके से जगह को स्कैन करता है तो जोयान ने फ्लेम किया फील किया था, इस फ्लेम का जो ऑरा था उसकी कैओसोली फ्लेम के जैसा ही था। तो जियान को लगता है कि अब तक उसे पूरी कंप्लीट कैओसोली फ्लेम नहीं मिली और ये भी शायद उसी का पार्ट होगा और उसे इन दोनों को फ्यूज करना होगा, इसलिए जियान कहता है ऐसा लगता है कैओसोली फ्लेम सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाली है। तभी ओल्ड जियान की आवाज आती है, ओए छोटे साथी तेरे तो मजे हैं, ये फ्लेम तेरे साथ सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, ये जगह भी काफी ज्यादा रिट्रीट के लिए अच्छी है, यहाँ कोई भी नहीं है और तेरे पीछे जो लड़की है वो तो और भी अच्छी है, तेरे तो चांदी ही चांदी है भाई। और ओल्ड जियान की आवाज अचानक ही जियान के कान में गूंजती है, ये सुनकर जियान कहता है चुपचाप गोल्डन टावर के अंदर रहो, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बिजी हूँ। और ऐसा कहते हुए वो जियान लाओ को इग्नोर कर देता है और स्टोन फ्लोर के बीच की उस फ्लेम के पास अलर्ट तरीके से पहुंचता है। जैसे उस फ्लेम के पास पहुंचता है जियान तो उसकी कैओसोली फ्लेम अचानक उसके बॉडी के अंदर से बाहर आ जाती है, जिसके बाद जियान उसकी फ्लेम को उस स्टोन फ्लोर की फ्लेम के पास पहुंचाता है तो वो फ्लेम अचानक से भड़कने लगती है और जियान के हाथ में उड़कर आने लगते हैं, जिसके बाद आसपास की वो फ्लेम भी वापस से भड़क उठती हैं, जिसके बाद जियान उसी जगह पर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और उन सभी फ्लेम्स को इकट्ठा कर लेता है। इस टाइम पे जियान के हाथ में दोनों ही कैओस फ्लेम होती है, जहाँ बाई ओर बड़ी कैओस फ्लेम और दाई ओर छोटी कैओस फ्लेम होती है जिसे जियान ने अभी पाया था। साथ ही स्टोन फ्लोर के ऊपर इन दोनों ही होली फ्लेम्स का, मतलब दो होली फ्लेम्स नहीं है एक ही होली फ्लेम है, उसके दो पार्ट है, जियान के हाथ में जरा सा भी विरोध नहीं करते। साथ ही जियान फील कर सकता था कि अभी भी इस फ्लेम में काफी ज्यादा वाइल्डनेस है, जिसके बाद जियान जोर से चिल्लाता है और उसकी एक चीख के साथ आसपास के जितने भी कैओस फ्लेम के क्लस्टर्स होते हैं वो धीरे धीरे जियान के हाथ में आकर इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके बाद जियान स्टोन फ्लोर के नीचे काफी सारे रुइंस को देखता है यानी एशियंट प्रिंट या सिंबल्स को। और जैसे ही वो रुइंस अपीयर होता है तो जियान की पूरी बॉडी एक अजीब से ऑरे के साथ कवर हो जाती है। और इससे भी सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि इस रुइंस के एक्टिवेट होते ही जियान के हाथ की दोनों ही होली फ्लेम्स के क्लस्टर्स हवा में तैरने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। और जैसे ये फ्लेम एक दूसरे के नजदीक आती है तो चहचहाने की आवाज आने लगती है और एक पावरफुल एनर्जी तुरंत ही बाहर निकलती है और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद ये दोनों ही कैओसोली फ्लेम के क्लस्टर्स एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। साथ ही इन दोनों फ्लेम्स के फ्यूजन के टाइम पे एशियन प्लेस से लगातार टकराने की आवाजें आ रही होती हैं, जब पे जोयान अपनी भौंह चढ़ा लेता है और दूसरी तरफ जो कोई जब इन आवाजों को सुनती है तो वो अपने दिल में काफी ज्यादा जोयान के लिए फिक्र कर रही होती है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। और उस टाइम पे जब जोयान एशियन टॉम से बाहर आया था तो ये खबर अब तक हर जगह फैल गई होती है और यहाँ तक कि बीच हो ही नहीं बल्कि इसके बाहर भी ये न्यूज फैल गई थी। साथ ही काफी सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि जोक्लेन कितना ज्यादा लकी है, साथ ही जोयान को भी वो लकी मान रहे होते हैं कि वो उस एशियन टॉम से जिंदा बाहर आ गया और उतने सारे ट्रेजर्स उसने प्राप्त किए होंगे, इसलिए कुछ लोग सिर्फ जेलस फील कर रहे होते हैं और जियोक्लेन को लालच से देख रहे होते हैं। और इसके बाद उसी जगह पर जहाँ एशियन टॉम था त्यानमो माउंटेन रेंज के अंदर लाल बालों वाला एक हाफ एजेड मैन दिखाई देता है और उसके पीछे लाल बालों वाला एक ओल्ड मैन होता है, जिससे वो एक्साइटेड तरीके से कहता है क्या ये खबर 100% सही है? जिस पे लाल बालों वाला एल्डर कहता है बिल्कुल,
ये सुनकर लाल बालों वाला हाफ एजेड मैन वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, तो बाकी कैल्डर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो कहता है, मेरी फैमिली एशियन टाइम से ही काफी ज्यादा हिडन रही है। हमारे एंसेस्टर डी जो में इस माउंटेन पर गिरे थे और हजारों वर्षों में हमने अनगिनत लोगों को उनको खोजने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी सक्सेसफुली वहां से बाहर नहीं आ पाया। लेकिन अंततः आज एक बंदा वहां तक गया और वहां से बाहर भी आया। आखिरकार वहां की सिचुएशन कैसी है? और ऐसा कहते हुए लाल बालों वाला हाफ एजेड मैन ओल्ड मैन की तरफ देखता है। ये सुनकर लाल बालों वाला ओल्ड मैन तुरंत कहता है, इस टाइम पे एशियन टॉम का रास्ता डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनकर वो बंदा उसके हाथ का चाय का कप अचानक से छूट जाता है और वो तुरंत कहता है, आपने क्या कहा, रास्ता डिस्ट्रॉय हो गया? हाँ, एल्डर कहते हैं, हाँ वो रास्ता डिस्ट्रॉय हो गया, केवल एक लकी पर्सन वहां से अंदर गया और जिंदा बाहर आया, और जैसे ही वो बाहर आया वो रास्ता डिस्ट्रॉय हो गया। ये सुनकर लाल बाल वाले हाफ एजेड मैन क्या के साइन होती है और वो झट से पूछता है, वो लड़का कौन था? ये सुनकर वो लाल बालों वाला ओल्ड मैन कहता है, हमने जो इन्फॉर्मेशन सुनी उसके अकॉर्डिंग डी जो के एक फैमिली का डिसाइबल है, साथ ही हमने अन्य डेमन ट्राइब के लोगों के साथ खोजबीन की है जो डी जो में है। तभी वो हाफ एजेड मैन कहता है, मैं पूछ रहा हूँ वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है, वो किस फैमिली से है? और ऐसा कहते हुए वो थोड़ा सा उसे डांटता है। ये सुनकर लाल बालों वाला ओल्ड मैन कांपने लगता है और जल्दी से उत्तर देता है, इसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनकर हाफ एजेड मैन तुरंत ही उदास हो जाता है। ये सुनकर वो हाफ एजेड मैन तुरंत ही कहता है, किसी को जांच करने के लिए डीजो भेजें, हमें उस लड़के को ढूंढना होगा। ये सुनकर लाल बालों वाला एल्डर तुरंत ही हमें से हिलाते हुए वहां से निकल जाता है। तभी वहां से लाल बाल वाली एक लड़की यार्ड से बाहर की तरफ दौड़ती है और हाफ एजेड मैन के हाथ को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसे देखते हुए पूछती है, ब्रदर क्या कोई इन्फॉर्मेशन है? जिस पे लाल बालों वाला हाफ एजेड मैन एक स्माइल के साथ उसे देखते हुए कहता है, इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन मुयर बेहतर होगा कि आप ओबीडिएंट तरीके से घर में ही रहें, इधर उधर ना भागे। क्या आपने नहीं सुना कि डेमेंस ट्राइब की अन्य ब्रांचेस पहले ही चल चुकी हैं, इसीलिए लापरवाही से काम नहीं कर सकते। साथ ही मुझे जो कुछ भी पता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता कि उससे पहले ही वो लाल बालों वाली लड़की बाहर की तरफ भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें जोकलेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी भी गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार फूट रही होती हैं और जोकलेन के सेंटर में दो फिगर खड़ी हुई होती हैं और उनके चारों तरफ जोकलेन के अनगिनत डिसाइबल खड़े हुए होते हैं जो सभी इस एनर्जी शील्ड को देख रहे होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही होती है। साथ ही इसी शील्ड के पीछे एक बड़ी सी जायंट एनर्जी सॉर्ड लटकी हुई होती है, जिसके अगल बगल काफी छोटी छोटी रॉड्स नजर आ रही होती हैं और ये काफी मिस्टीरियस फॉर्मेशन लग रही होती है जो कि जियोक्लेन की डिफेंस फॉर्मेशन थी। और इस एनर्जी शील्ड ने उन लोगों को जियोक्लेन तक पहुंचने से पहले पूरी तरीके से रोक कर रखा होता है। और उस शील्ड के बाहर पांच और लोग जो काले कपड़े पहने होते हैं और रीडेमन सेक्ट के लोग और जियोक्लेन के वो सभी डिसाइबल जो त्यानमो माउंटेन रेंज से लौट कर आए थे जियोक्लेन के एंट्रेंस गेट को ही देख रहे होते हैं और जियोक्लेन के डिफेंस बैरियर पर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि जियोक्लेन के लोग तो दूर खड़े हुए ये देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ जियोक्लेन के डिफेंस बैरियर पर अटैक करते हुए इमोजी और डेमन सेक्ट का हर बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इतने पावरफुल फॉर्मेशन का प्रोटेक्शन उनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। साथ ही उन्हें पता था ये प्रोटेक्शन बैरियर ऐसा नहीं जो अपनी ताकत के साथ वो उसे तोड़ सके। दूसरे पांचों लोग जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए होते हैं वो इस डिफेंस बैरियर को काफी ज्यादा एरोगेंट तरीके से देख रहे होते हैं, जैसे अपने सामने चींटी देख रहे हो। हालांकि जब वो बड़ी फॉर्मेशन पर अटैक करते हैं तो एनर्जी शील्ड जो चारों ओर प्रोटेक्ट कर रही थी जियोक्लेन को और उसके अंदर की वो स्रॉड, उसकी स्रॉड के आसपास घूमने वाली छोटी छोटी स्रॉड है अचानक से अटैक करने वाले लोगों की तरफ बढ़ती है और कई इमोजी और डेमन सेट के डिसाइबल उन छोटी स्रॉड के साथ टकरा कर तुरंत ही नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर इमो डेमन सेट के मेंबर्स एक के बाद एक पीछे हट जाते हैं। ये देखकर ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए एक पर्सन तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ता है और अपने हाथ से एक एनर्जी अटैक करता है। उसकी आंखें रेड होती हैं, साथ ही उसका ऑरा बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर आता है, जिसके कारण उसके सामने की काफी सारी छोटी छोटी एल्यूजनरी स्रॉडें तुरंत ही गायब हो जाती हैं। तभी एक आवाज आती है, बाहर कौन है, तुमने बिना किसी कारण के मेरे जियोक्लेन पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की? और ये आवाज जियोली की होती है जो जियोयान को दूर भेजने के बाद जियोयान जियोक्लेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए होते हैं और फॉर्मेशन के सेंटर में खड़े होते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, बकवास करना बंद करो, जियो नाम के उस बच्चे को हमें दे दो, हम तुम्हें ज्यादा एम्बेरस नहीं करेंगे। और काला कपड़ा पहने हुए वो बंदा अपने हाथ को पीछे लेते हुए जियोली की तरफ देखता है जो फॉर्मेशन के बीच में था। ये सुनकर एल्डर जियोली तुरंत ही कहते हैं, जियोयान मेरे जियोक्लेन में नहीं है, इसलिए फ्रेंड तुम्हें हमें मजबूर नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे एल्डर जियोली ना तो पोलाइड होते हैं ना ही ज्यादा एरोगेंट। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहता है, उस बच्चे ने जियोक्लेन में लौटने के लिए कंपास का यूज किया था, तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत करते हो, क्या तुम डिस्ट्रॉय होने से नहीं डरते? ये देखकर जियोली तुरंत ही कहते हैं, सीने इस बात का क्या सबूत है कि जियोयान अब क्लेन में ही है। इस टाइम पे वो जियोयान के लिए जितना ज्यादा टाइम हो सके निकालना चाहते थे। ये सुनकर वो काले कपड़े वाला पर्सन तुरंत ही कहता है, अगर वो बच्चा आपके जियोक्लेन में नहीं है तो आपने डिफेंस से बैरियर को एक्टिवेट क्यों किया है? ये सुनकर जियोली तुरंत ही कहते हैं, सीनियर अगर एज अ गेस्ट हमारे जियोक्लेन में आते तो आपको केवल हमें इन्फॉर्म करने की जरूरत थी, हमारा क्लेन आपका वेलकम जरूर करता, लेकिन
इमोजियाओ डेमन सेक्ट हमारे फ्रेंड नहीं है, और इतने सारे इमोजियाओ डेमन सेक्ट के लोग अगर वो हमारे क्लेन के अंदर आते हैं तो पहले हमें उनका मोटिव पता होना चाहिए। इसलिए हम बस दुर्घटना को रोकने के लिए अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। ये सुनकर वो हाफ जर्मन तुरंत ही कहता है, कितना तेज मुंह है। और इसके बाद वो अपने सभी काले कपड़े पहने हुए लोगों के बीच में एल्डर ब्रदर को बुलाता है और कहता है, क्या आप उस बच्चे के भागने के लिए अभी भी टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं? इस डिफेंस बैरियर को ओपन करें और मुझे अंदर आकर देखने दें। अगर वो बच्चा आपके क्लेन के अंदर नहीं रहा तो मैं आपके क्लेन को एम्बेरस करना बंद कर दूंगा, ये कैसा रहेगा? जिस पे एल्डर जोली कहते हैं, हम ऐसा नहीं करने दे सकते, ये हमारी जो क्लेन की पूरी आइडेंटिटी को रिवील कर सकता है। ये सुनकर तो हाफ जर्मन थोड़ा सा शॉक होता है, उसकी बॉडी से कोल्ड किलिंग इंटेंट ऑरा रिलीज होने लगता है। ये सुनकर एल्डर जोली तुरंत ही कहते हैं, तो फिर हम भी पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। ये देखकर पीछे के काले कपड़े पहने हुए चार लोग भी तुरंत ही बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते हैं और उनका पावरफुल ऑरा तुरंत ही सामने अपीयर होता है, जिसके बाद वो चार लोग अपनी पूरी पावर के साथ शील्ड के ऊपर अटैक करते हैं। ये देखकर वो चार लोगों ने अटैक किया है उस स्लॉट के आसपास घूम रही छोटी छोटी स्लॉटें उनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उनकी एनर्जी के साथ वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और कुछ ही देर के अटैक के बाद फॉर्मेशन धीरे धीरे थोड़ी सी ओपन होती है और वो चारों लोग उस फॉर्मेशन से अंदर आ जाते हैं। ये देखकर जोली और जोलोंग थोड़ा सा सीरियस होते हैं और उनके हाथों के फॉर्मेशन तेजी से बदलने लगती हैं और उनकी फोरहेड के बीच में हल्का सा पैटर्न दिखाई देता है जो कि उनका क्लेन टैटू होता है और उनका ऑरा कुछ टाइम के लिए फोर स्टार डाउडी लेवल के आस पास पहुँच जाता है। तभी काले कपड़े पहने वो लोग एरोगेंटली कहते हैं, तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर समझ रहे हो। दूसरी तरफ हवा में चारों तरफ एक बार फिर से अनगिनत छोटी छोटी स्लॉट्स कंडेंस होने लगती हैं और पूरी फॉर्मेशन स्लॉट के एक समुद्र में समा जाती है। दूसरी तरफ इस फॉर्मेशन के हर जगह पर सेंटर में अलग अलग जगह पर एक पोजीशन पे जो क्लेन का एक एक डिसाइबल बैठा हुआ होता है और उसकी बॉडी की ओरिजिन कोई इस फॉर्मेशन के अंदर जा रही होती है, जिसके बाद जोली कहते हैं, हर कोई रुको। इस टाइम पे जो क्लेन ने अपने सभी डिसाइबल्स का मोरल काफी ज्यादा हाई कर दिया था। हालांकि जो क्लेन का हेड डिसाइबल अपने दिल में जानता था कि उनके पास जीतने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हालांकि अगर उनके सामने केवल 4 स्टार डाउडी है तो भी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, लेकिन 4 स्टार के ऊपर के डाउडी का सामना करना ये कहने की बात नहीं थी कि उन्हें एक झटके में डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। साथ ही सबसे पावरफुल पर्सन वो 5वां पर्सन जो अब तक सामने नहीं आया था, जाहिर है उसकी पावर सबसे ज्यादा थी और उनकी जीतने की चांस बिल्कुल 0। लेकिन फिर भी जो क्लेन के डिसाइबल हार मानने का इरादा नहीं दिखाते और अपनी ओरिजिन को इकट्ठा करने लगते हैं। दूसरे जो लोंग उनके भी हैंड प्रिंट तेजी से बदल रहे होते हैं और हवा में लटकी हुई काफी बड़ी सी वो लॉन्ग स्लॉट वो अचानक से लाइट को स्लैश करने लगती है और साइन करने लगती है, साथ ही उससे काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दूसरी सब जोली भी अब अपने आप को बैलेंस करते हैं और अपनी एनर्जी सोर्स लॉन्ग स्लॉट को कंट्रोल करते हैं और उसे काले कपड़े पहने हुए चार लोगों की तरफ बढ़ा देते हैं। ये देखकर काले कपड़े पहने वो चार लोग जरा सा भी पीछे हटने का इरादा नहीं दिखाते और देखते ही देखते उन चारों के हाथ में चार पावरफुल अटैक क्रिएट होने लगते हैं और उनके साथ वो उस पर जायंट स्लॉट पर अटैक कर देते हैं, जिससे चारों तरफ एनर्जी का फ्लक्चुएशन फैलने लगता है और पूरी फॉर्मेशन थोड़ी कांपने लगती है, जिसके कारण जोली जोलोंग और अनगिनत जो क्लेन के जो डिसाइबल होते हैं एक साथ मुंह से ब्लड की वॉमिटिंग कर देते हैं, जिसका मतलब था कि सभी को काफी ज्यादा हैवीली इंजरीज आई हैं। दूसरा भी इन गड़गड़ाहट की आवाजें उस एशियन टॉम के अंदर भी सुनाई दे रही थी, कैओस होली टॉम के अंदर जहाँ पे जोयान और जो कोई थे, इसलिए उन लोगों के चेहरे काफी सीरियस होते और जो कोई की आंखें तो लगभग आंसू आ गए होते हैं, जिसके बाद उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, ग्रैंडफादर। और वो एशियन टॉम के इंटेंस गेट को देख रही होती है, उसके हाथ उसके दिल पे होते, वो बस प्रेयर कर रही होती है कि भगवान इस बार बचा ले भगवान। दूसरा जोयान अपने सामने की फ्लेमों को देखता है जो कि लगभग फ्यूज हो चुकी होती हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज और कुछ इनप्योरिटी इन्हें बार बार रोक रही होती है। यह देखकर जोयान थोड़ा सा गुस्से से अपनी पावर को प्रोड्यूस करते हुए इनकी हर एक इम्प्योरिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता है और इन्हें जल्द से जल्द फ्यूज करना चाहता है। और जोयान की पावरफुल पावर के कारण ये फ्लेम ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होने लगती है। साथ ही जोयान को पता था यह काफी ज्यादा स्लो प्रोसीजर है और अगर इसे फास्ट किया गया तो फ्लेम भी काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाएंगे, इसलिए जोयान भी चुपचाप देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरा जोयान का फ्लेम मंत्र उसकी बॉडी के अंदर घूम रहा होता है और कैओस होली फ्लेम को फ्यूज करने में मदद कर रहा होता है। हालांकि तभी जोयान के सामने एक शैडो अपीयर होती है जो एल्यूजनरी फिगर थी, जिसे देखकर जोयान चौंक जाता है और करीब से देखने पर जोयान को ये ओल्ड मैन ऐसा लगता है जैसे वो जो क्लेन का भी कोई पर्सन हो, क्योंकि उससे जोयान को जो क्लेन का ऑरा फील हो रहा होता है, लेकिन आखिरकार थी तो ये केवल सोल क्लस्टर। तभी वो बंदा जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, बच्चे तुम्हें कैओस होली फ्लेम का प्रेजेंट टाइम का मास्टर होना चाहिए। जैसे जन ये ओल्ड वॉइस को सुनता है तो तुरंत ही कहता है, अब तुम कौन हो। हालांकि जन उससे पूछता तो है, लेकिन जन के हैंड प्रिंट के साइन बंद नहीं होते और वो फ्यूज करना फ्लेम को कंटिन्यू रखता है। दूसरा पोर्ट में जन के बदलते हाथों के निशानों को देखता है तो उसके चेहरे पर एक फीकली स्माइल आती है और वो कहता है, मैं कैओस होली फ्लेम का पिछला मास्टर हूँ जियो से। ये सुनकर जन तुरंत ही कहता है, क्या तुम वही हो।
जो कि जियो क्लेन को कंट्रोल करना चाहते थे। इस टाइम पे जियोन को कुछ चीजें पता थी। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, ये सब मेरी गलती है। मैंने सोचा कि कैओस ओरिफ्लेम को कंट्रोल करने के बाद मैं जियो क्लेन को स्ट्रांग और पावरफुल बना सकता हूँ, और ऐसा कहते हुए वो अफसोस कर रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है, आप कैओस ओरिफ्लेम के नए ओनर हैं। ये साबित करता है कैओस ओरिफ्लेम का आपके पास होना एक डेस्टिनी है। मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, इसलिए कैओस ओरिफ्लेम के फ्यूजन को कम्प्लीट करने में मैं आपकी मदद करूंगा। और ऐसा कहने के बाद उसकी एक फिगर लाइट में बदलकर दोनों ही कैओस ओरिफ्लेम के अंदर गायब हो जाती है। और इसके बाद बूम की आवाज के साथ दोनों ही फ्लेम की बॉल के अंदर से एक शानदार लाइट साइन होने लगती है, और पलक झपकते ही उन्हें एक साथ मिला देती है। और एक पावरफुल, एनर्जेटिक और पहले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। और इस टाइम पे फ्यूज हो चुकी कैओस ओरिफ्लेम जियोन के सामने तैर रही होती है, और शानदार लाइट फ्लो कर रही होती है, ग्लो कर रही होती है, जिससे जियोन भी काफी ज्यादा खुश होता है और अच्छे मूड में आ जाता है। हालांकि धीरे धीरे उसे फ्लेम के अंदर की लाइट कम होती है, और एशियंट ऑरा धीरे धीरे गायब होते हुए वो फ्लेम जियोन की बॉडी के अंदर वापस लौट जाती है। और जियोन कैओस ओरिफ्लेम को देखकर, जो कि पहले येलो थी लेकिन इस बार वो डार्क येलो हो गई होती है, तो जियोन इसे ध्यान से ऑब्जर्व करता, और वो देख सकता था कि पूरी फ्लेम के अंदर अनगिनत छोटी छोटी लाइनें हैं जो बेहद अजीब हैं। साथ ही ये फ्लेम उसे काफी ज्यादा एशियंट और मिस्टीरियस फील करा रही होती है। तभी जियोन के दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन आती है, ये कैओस ओरिफ्लेम ऐसा कहा जाता है कि जब ये दुनिया में पहली बार अपीयर हुई थी तो ये हेवन और अर्थ के बीच कैओस के कारण नेचुरल और प्योर एनर्जी से बनी थी। साथ ही कैओस की एशियंट पावर को तुरंत ही एक्टिवेट कर सकती है ताकि ओनर की बॉडी की पावर को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही थोड़े ही टाइम के अंदर अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर सकती है, और ये मास्टर की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए कैओस बॉडी बना सकती है। ये कौन सी बॉडी होती है भाई? साथ ही इस फ्लेम के 3 स्किल भी हैं, जिसमें पहला है कैओस बॉडी, दूसरा है कैओस एशियंट फ्लेम, और तीसरा पावरफुल कैओस सीक्रेट। ये इसके ओनर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए जाओ और इसे खुद ढूंढो, और तुम्हें इसे खुद देखना चाहिए। जियोन के दिमाग में आई हुई इस इन्फॉर्मेशन से जियोन काफी हैरान होता है और अपने होश में आता है। जिसके बाद जियोन उस कैओस ओरिफ्लेम को अपने एक्यूपंचर पॉइंट से अब्सॉर्ब कर लेता है, और जैसे ये जियोन की बॉडी के अंदर एंटर होती है तो ये जियोन की बॉडी के अंदर बिल्कुल एक लिक्विड की तरह फ्लो होने लगती है, जो कि जियोन की मेरिडियन से फ्लो होते हुए जियोन की बॉडी पार्ट्स और बोन्स के अंदर एंटर हो जाती है। जिसके बाद जियोन अपनी आंखों को बंद करते हुए इस फ्लेम को अपने फ्लेम मंत्र के साथ फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही इस फ्लेम मंत्र के साथ फ्यूजन के साथ जियोन की आउटर बॉडी में काफी ज्यादा बदलाव आए थे, और जियोन की बॉडी पर हल्की धुंधली रेखाएं देखी जा सकती थी, और ऐसा लग रहा था कि ये रेखाएं जियोन की स्किन के नीचे मौजूद हैं, जिससे हल्की येलो कलर की लाइट निकल रही होती है। तो इस येलो लाइट और इस कैओस ओरिफ्लेम का लिक्विड की तरफ फ्लो होने का क्या रीजन है, ये अब हम देखेंगे नेक्स्ट।